हरियाणा में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। एक साथ कई दिग्गज विधायकों ने छोड़ी पार्टी, हुए कांग्रेस में शामिल। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के 8 पूर्व विधायकों ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस ऑफिस में अध्यक्ष उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कई पूर्व विधायकों ने कांग्रेस में वापसी की है। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं में अधिकतर पार्टी से ही निष्कासित किए गए थे या खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए थे। आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल होने वालों में अधिकतर नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दो बार विधायक रहे परविंदर सिंह ढुल का नाम भी शामिल है। आपको बताते चले, परविंदर सिंह ने 2009 और 2014 में इनेलो के टिकट पर जिंद जिले की जुलाना सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2019 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन करके चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे। ढुल के पिता भी 7 बार विधायक बने थे। कांग्रेस के पूर्व नेता राजकुमार भी पार्टी का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए थे और आप में रहते हुए राजकुमार अंबाला से प्रभारी भी बने। खास बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में घर वापसी करने वाले राजकुमार आप में जाने के बाद दीपेंद्र के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे राजकुमार ने भी आज कांग्रेस में वापसी की है। आपको बता दें, कांग्रेस में वापसी करने वालों में फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ सीट से 2005 और 2009 में चुनाव जीतने वाले सरदार राठौर का भी नाम शामिल है। बताते चले कि घर वापसी करने वालों में एक नाम राकेश कंबोज का भी है। इसी के साथ बताते चले कि कई नेता बीजेपी के भी हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। करनाल जिले की असन सीट से विधायक रहे जिले राम शर्मा ने भी 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए 25,000 वोट हासिल किए थे और जिससे जिले राम शर्मा अनसद सीट पर ब्राह्मण समाज पर मजबूत पकड़ रखते हैं। माना जा रहा है कि इनके आने से आसपास के और सीटों पर भी कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।